हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स के बारे में, यानी कि पहले ज़माने से ही ये जो टिप्स है वो अपनाते आए हुए हमारे पहले ज़माने से जो औरतें हैं वो लोग अपनाते आए हुए हैं। आप ये बात गौर कीजिए कि अभी जितना सी सेक्शन यानी सीजरियन होता था वो पहले ज़माने में इतना नहीं होता था, क्योंकि वो लोग वो उपाय को अपनाते थे, वो लोग वो काम को करते थे जिसकी वजह से वो एक्टिव रहते थे और उनका जो डिलीवरी वो नॉर्मल होता था। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो आपको काम करना है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि एक महीने से लेकर तीसरा महीने तक आपको वो सारा काम नहीं करना है। आपको ज़्यादा भागम भाग नहीं करना है, आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना है। थोड़ा हल्का फुल्का आप घर का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो तीन महीना होता है उस पर अबॉर्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपको एकदम केयरफुली रहना है प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहला महीने से लेकर तीसरा महीने तक। अभी आपको जैसे ही आपका 8 मंथ लग जाएगा, जैसे कि आपका 8 कंप्लीट होकर 9 मंथ लग जाएगा, जैसे कि आपको 9 महीने लग जाएगा, तो आपको ये सारा काम करना है जिसकी वजह से आपको जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, यानी कि अरंडे का तेल, जिसको कि हम अरंडे का तेल बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, आप पी सकते हैं दूध में मिला के नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वैसे तो डॉक्टर आपको कैस्टर ऑयल के रिफ़र करते हैं, जैसे कि आपका 9 महीना लग जाता है तो डॉक्टर आपकी गायनी आपको कैस्टर ऑयल देते हैं, तो आप अपने गायनी की बोलने पर आप अपना कैस्टर ऑयल दूध में मिला के पी सकते हैं, जिसकी कि आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकता है। दूसरा, आपको घर का सारा काम करना है, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन जो भी आपको घर का काम करना है, ज़्यादातर आपको पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने में आपका जो बच्चा है वो पूरा रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको घर का जो भी काम है वो सब आपको करना चाहिए। तीसरा, आपको डेली खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको वॉक लेना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 30-40 मिनट चलना चाहिए, जिससे कि आप एक्टिव रहेंगे और आपका बच्चे का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होता है। चौथा, आप अपने खाने में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी दाल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं उस पर घी डाल के खाइए, जिससे कि आपका यूट्रस यानी कि आपको जो गर्भाशय है वो चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चे का मूवमेंट अच्छा होता है। आप दूध में भी मिला के घी पी सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में घी लेना नहीं है, आपको कम से कम आधा चम्मच घी लेना है डेली। वैसे सबको यूज़ करना है कुछ भी खाने की चीज़ में, आप दूध में भी मिला के घी पी सकते हैं। तो ये सारा जो टिप्स है अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाता है। 9 महीना लगने के बाद आपको ये सारा टिप फॉलो करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।